शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। उपहार न मिलने से नाराज किन्नर ने की बच्ची की हत्या। दुकान पर काम करने से नाराज देवर ने विधवा भाभी पर फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार। गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में बाघ है 12 और पिंजरे 10, तेंदुए के पिंजरे में रखने की नौबत। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। बच्ची पैदा होने के बाद परिवार द्वारा तोहफे के रूप में 1100 रुपए, साड़ी और नारियल न मिलने से नाराज एक किन्नर ने अपने साथी के साथ मिलकर 3 महीने की बच्ची को खाड़ी में फेंक कर हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली यह वारदात मुंबई के अम्बेडकर नगर की है। बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में गिरफ्तार किन्नर का नाम कन्नू उर्फ कन्हैया चौगले है, जबकि उसके साथी की पहचान सोनू के रूप में हुई थी। वारदात गुरुवार शुक्रवार की रात 2 से 3 बजे के बीच हुई। बच्ची के साथ सो रही उसकी माँ की नींद खुली तो उसने पाया कि बच्ची लापता है। उसने अपने पति को जगाया और ऊपरी मंजिल पर सो रहे अपने सास ससुर से भी पूछताछ की, लेकिन बच्ची के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। काफी तलाश के बाद बच्ची नहीं मिली तो मामले की शिकायत कफ परेड पुलिस स्टेशन में की गई। दूसरी खबर, विधवा भाभी के पड़ोसी की दुकान पर काम करने से नाराज एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने उस पर तेजाब फेंक कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। यह वारदात मुंबई के घाटकोपर इलाके की है। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रबुद्ध कामले है। घाटकोपर के पारसीवाड़ा इलाके में रहने वाली पीड़िता पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। महिला के पड़ोसी सुधांशु प्रमाणिक की गहनों की दुकान थी। महिला ने सुधांशु से काम देने का आग्रह किया, जिसके बाद सुधांशु ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन यह बात कामले को पसंद नहीं आई। नाराज कामले ने अपनी भाभी से इस बात को लेकर कई बार बहस की। इसके बाद बुधवार शाम को वह तेजाब लेकर सुधांशु की दुकान पर पहुंचा और तेजाब अपनी भाभी पर फेंक दिया। तीसरी खबर, गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके रहने की जगह कम पड़ रही है। मजबूरी में बाघ को तेंदुए के पिंजरे में रखना पड़ रहा है। गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में पूरे राज्य से घायल वन जीवों को लाया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। इसके अलावा जो वन्य जीव नरभक्षी बन जाते हैं उन्हें भी यहां लाकर रखा जाता है। यहां बाघों की संख्या 12 होने से पहले से मौजूद 10 पिंजरे कम पड़ रहे हैं, इसलिए प्रशासन को तेंदुए के पिंजरे से काम चलाना पड़ रहा है। वर्तमान में यहाँ 8 बाघ व 2 शावक है। आगामी दिनों में यहाँ और 2 नए बाघ लाए जाएंगे। इनका सेंटर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। इन्हें ब्रह्मपुरी व देवलापार के जंगलों से घायल अवस्था में लाया गया है। पैर में फ्रैक्चर और अन्य कारणों से लाया गया। डॉक्टरों की माने तो दोनों घायल बाघ जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद इन्हें रखने के लिए स्वतंत्र 2 पिंजरों की जरूरत होगी। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहें MNS News Live। नमस्कार।